हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा। एक बंदा जब अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट होता है उसके पेरिफेरल्स, यानी कि फिर वो अपने पेरिफेरल्स पे थोड़ा बहुत स्पेंड करने की सोचता है, जैसे कि माउस हो गया, गेमिंग कीबोर्ड और भी बहुत सारी चीजें। आज की डेट पे अगर आप मार्केट में हाई एंड गेमिंग माउस वो भी बजट में रहते हुए लेने निकलते हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कूलर मास्टर की तरफ से भी देखने को मिलते हैं, वाइपर की तरफ से देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको MSI की तरफ से भी काफी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि MSI का GM41 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। करंटली अगर आप इस माउस को मार्केट में लेने जाते हो ना तो ये 3500 रुपीज के आसपास मिल जाता है और मैं मानता हूँ एक हाई एंड माउस होने के हिसाब से ये काफी बजट प्राइस होता है। अब पर्सनली मैंने एक माउस खुद भी GM41 खरीद रखा था ये दिखाने के लिए आप लोग को, ताकि अगर आप भी इस माउस के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, आप इस माउस से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ ना तो बॉक्स में यहाँ पर आपको आपका गेमिंग माउस, एक मैनुअल देखने को मिल जाता है। पहली ही चीज यहाँ पर आप माउस में नोटिस करते हो ना वो है इसकी क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 3500 रुपए के हिसाब से, मैं मानता हूँ फैंटास्टिक है। लाइट वेट होने के साथ यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, कहीं पर भी चीप या क्रीकिंग वाली फील नहीं आती। अब हो सकता है कुछ लोग को ये माउस थोड़ा सा महंगा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो कि काफी कम प्राइस में आती है, जो कि हमारे स्पॉन्सर की तरफ से विंडोज 10 और विंडोज 11 की कीज। यहाँ पर आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 की कीज केवल 650 रुपीज की देखने को मिल जाती है और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ, जाकर चेक कर सकते हैं। इस माउस में जो केबल यूज करी गई है वो ब्रेडेड है, हालांकि काफी स्टिफ केबल है। इस केबल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। बाकी यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आपने लाइफ में इससे पहले लाइट वेट गेमिंग माउस नहीं चलाया तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा, काफी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होने वाला है। इस माउस का जो टोटल वेट है ना वो केवल 65 ग्राम है और मुझे ये चीज देखकर अच्छा लगा कि MSI ने 65 ग्राम भी मेंटेन रखा, साथ में हनीकॉम शेप डिजाइन यूज नहीं किया है। नॉर्मली इस क्राइटेरिया में जितने भी लाइट वेट माउस आते हैं ना वहाँ पर आपको हनीकॉम डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ पर काफी डस्ट वस्ट घुसती है, मैनेज करना उतना ईजी नहीं रहता। साइड में आप देख सकते ग्रिप देखने को मिल जाती है, ओवरऑल जो प्लास्टिक यूज किया गया वो काफी अच्छा है, मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपका हाथ मीडियम साइज का है या लार्ज साइज का है, आप जो है क्लॉ ग्रिप यूज करना चाहते हो, ये माउस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी माउस के साइड पे ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायमंड टेक्सचर रबर ग्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि आपको ठीक ठाक ग्रिप भी प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर जो बटन यूज करे गए हैं वो ओमरन स्विचेस यूज करे गए हैं, जो कि आपको 60 मिलियन क्लिक्स की लाइफ साइकिल प्रोवाइड कर देते हैं। हालांकि ओमरन स्विचेस का माउस की फील्ड में जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, लॉजिटेक के माउस में भी आपको ओमरन स्विचेस देखने को मिलते हैं और उनमें डबल क्लिक इशू काफी कॉमन होता है। ये माउस लॉन्ग टर्म में कैसा होल्ड करेगा इस चीज के बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलो हो सकता हो थोड़ा टाइम बाद डबल क्लिक इशू देखने को मिल जाए। बाकी माउस के लेफ्ट हैंड साइड पे दो छोटे छोटे बटन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड बाय डिफॉल्ट होते हैं। बाकी बैक साइड में यहाँ पर आपको माउस का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक फ्लैगशिप सेंसर है, जो कि है पिक्सआर्ट की तरफ से PMW3389, जो कि एक हाई एंड सेंसर है। बाकी साइड में छोटा सा एक DPI बटन भी देखने को मिल जाता है, जिसको कि अगर आप प्रेस करते हो तो आपकी DPI बढ़ती है एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाती है। पर्सनली ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि DPI बटन माउस के नीचे होता है, ऊपर साइड पे नहीं होता, तो एक्सीडेंटली आप DPI बटन को क्लिक नहीं करते हो या कोई बच्चा भी आके नहीं दबाता तो DPI जल्दी चेंज नहीं होती है। वही बात आती है अगर RGB की, तो इस माउस में MSI ने थोड़ा सा RGB का एक लोगो दे रखा है पर्सनल टचअप देने के लिए, हालांकि यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी इस माउस में यहाँ पर आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है और LOD डिस्टेंस की भी सेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि लेफ्ट ऑफ डिस्टेंस आप चाहो तो हाई भी कर सकते हो, आप चाहो तो लो भी कर सकते हो और ये एक्चुअली में काम भी करती है। नाउ अब ये हो गया माउस के बारे में, अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, आपका यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ को चेक करने के लिए। मैंने खुद पर्सनली इस माउस को एक वीक यूज़ किया है, इस पर मैंने गेमिंग भी करी है, नॉर्मली यूज़ भी किया है, वीडियो एडिटिंग भी करी है, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। अब देखो यार, यहाँ पर मेरा हाथ है ना वो मीडियम साइज़ का है और पर्सनली मैं क्लॉ ग्रिप ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मुझे ये माउस मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस माउस को यूज़ करना स्टार्ट करा इसकी ग्रिप मेरे हाथ में काफ़ी अच्छे से बैठने लगी। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने इस माउस को यूज़ करना स्टार्ट करा तो मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है कि यहाँ पर जो आपको क्लिक्स देखने को मिलते हैं ना उनका ट्रैवल डिस्टेंस मेरी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा कम था, यानी कि बटन जो दबते हैं ना वो काफ़ी जल्दी प्रेस हो जाते हैं। नॉर्मली इतने कम ट्रैवल डिस्टेंस की मुझे आदत नहीं है, तो शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन टाइम के साथ रहते ये भी मैंने अडेप्ट कर लिया। अब नॉर्मल सिनेरियोज में इस माउस को यूज़ करने
करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लिक्स का यहाँ पर जो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो भी अच्छा होता है। DPI सेंसर दिया गया है वो भी काफ़ी एक्यूरेट रहता है, तो अगर आप फोटोशॉप वाला काम करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। वही दूसरी तरफ अगर बात आती है गेमिंग की, इस माउस पे अगर आप गेमिंग करते हो ना तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर जो आपको सेंसर देखने को मिलने वाला है वो गेमिंग सेंसर है और मिनिमम DPI आप यहाँ पर 400 तक सेट कर सकते हो। मैं खुद 400 DPI पे गेम्स खेलता हूँ और मुझे गेम्स खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि LOD डिस्टेंस भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अब यहाँ पर अगर आप फ्लिक शॉट्स मारते हो, कॉम्पिटिटिव होके खेलते हो, CSGO या Valorant जैसे गेम खेलते हो ना, ये माउस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी लाइट वेट है तो आपको फ्लिक शॉट मारने में या जल्दी डिसीजन लेने में या फ्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होके खेल भी सकते हो। हालांकि यहाँ पर मुझे एक छोटा सा कॉन ये केवल लगा है कि यहाँ पर जो इसकी वायर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। मैं आपको बता दूँ, जब आप लाइट वेट गेमिंग माउस यूज़ करते हो और टेबल पर रख के खेलते हो ना, और आपकी वायर जब काफ़ी स्टिफ होती है और जब आप फ्लिक शॉट मारते हो तो वो केबल ना आपके टेबल और माउस पैड पर ना रगड़ती है। इसको बोला जाता है केबल ड्रैग। तो यहाँ पर आपको केबल ड्रैग का भी इशू देखने को मिलता है इस माउस के साथ। लाइट वेट माउस में ये चीज़ आप और भी ज़्यादा नोटिस करते हो, क्योंकि माउस को बहुत जल्दी मूव करना होता है और केबल ड्रैग की वजह से ना वो केबल खींचते हुए आपको फील होता है, तो हो सकता हो कॉम्पिटिटिव गेमिंग में आपको प्रॉब्लम आ जाए। इसी वजह से मोस्टली जितने भी मार्केट में लाइट वेट माउस आते हैं ना वो सॉफ्ट ब्रेडेड केबल के साथ आते हैं जिनका वेट काफ़ी कम होता है और उसमें केबल ड्रैग का भी इशू देखने को नहीं मिलता। लकली इस इशू को ना MSI ने काफ़ी जल्दी एड्रेस भी कर लिया है, यानी कि GM41 का V2 वर्जन भी आया है जहाँ पर ये केबल वाला इशू सॉल्व कर दिया गया है। वहाँ पर जो केबल यूज़ करी गई है वो ब्रेडेड तो ज़रूर है लेकिन सॉफ्ट केबल है। हालांकि अगर आप केबल वाला इशू बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप वायरलेस लेना चाहते हो ना, तो 1000 रुपये महंगा ये माउस आता है। GM41 का वायरलेस वर्जन वो 4500 रुपीज़ का मिलता है। तो आप लोग चाहो तो कम्प्लीटली वायरलेस भी जा सकते हो, हो सकता हो वो थोड़ा सा बेटर डील हो कुछ लोगों के लिए। ओवरऑल यहाँ पर मेरा जो इस माउस के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप इस माउस के साथ जा ही रहे हो तो आप V2 वर्जन के साथ जाना, उसमें केबल ड्रैग वाला इशू रिजॉल्व कर दिया गया है। बाय द वे, आप में से जिन लोगों का हाथ थोड़ा छोटा है, आप चाहते हो इससे लाइट वेट माउस लेना, तो आप कूलर मास्टर के MM720 के साथ भी जा सकते हो। वो माउस पर्सनली मैंने 1.5 साल यूज़ करा और भाई वो माउस मेरा वन ऑफ दी फेवरेट माउस है जिसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करा और मैं उस पर ट्रस्ट भी करता हूँ। बाय द वे, दोनों ही गेमिंग माउस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं से डेली awesome content। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।